Hello student, how are you having all? Today we have to learn subject maths, chapter number 5, data handling and exercise 5.2. Exercise 5.2, question number 1. A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. Survey kya gaya hua hai? Find the type of music. ओके म्यूजिक का टाइपिंग फाइंड आउट करने के लिए दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन अ सिटी एडजॉइनिंग पाई चार्ट शो द फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग इफ 20 पीपल लाइक अ क्लासिकल म्यूजिक सो हाउ मेनी यंग पीपल वेयर सर्वे If 20 people like a classical music, that means यहाँ पे classical music in our pie chart. क्लासिकल म्यूजिक कितना रिप्रेजेंट करता है 10% और क्वेश्चन क्या है इफ 20 पीपल लाइक अ क्लासिकल म्यूजिक दैट मीन्स 10% रिप्रेजेंट करता है 20 पीपल सो हाउ मच दैट हाउ मैनी दैट मीन्स हमें इन अ सिटी दैट मीन्स 100% फाइंड आउट करना होगा दैट मीन्स के 10% तो 20 पीपल है सो 100% सो क्वेश्चन मार्क्स सो नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन कि 10% कितना रिप्रेजेंट करता है 10% रिप्रेजेंटेड अ ट्वेंटी पीपल सो 100% रिप्रेजेंटेड क्वेश्चन मार्क सो 100 और 20 का क्या होगा मल्टीप्लाई सो 100 मल्टीप्लाई बाई 20 एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो क्वेश्चन मार्क के साथ जो नंबर है वो डिनोमीटर में जाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ जो नंबर होता है वो ऑलवेज कहाँ पे जाता है डिनोमीटर में सो 0 इज अ कैंसल आउट सो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 सो 200 पीपल अगेन रिपीट द क्वेश्चन क्वेश्चन क्या था कि इफ 20 पीपल लाइक अ क्लासिकल म्यूजिक If 20 people like a classical music, that means यहाँ पे classical का percentage कितना है 10. So 10% represent करता है 20 people. So 10% represent करता है 20 people को. So how many young people were surveyed? So हमने 10% represented 20 people. So 100% is equal to question mark. हमने यहाँ पे क्या कि 10% रिप्रेजेंटेड 20 पीपल सो 100% क्वेश्चन मार्क्स दैट मीन्स 100% में से 100 और 20 का मल्टीप्लाई और 10 कहाँ पे गया डिनोमीटर में सो आंसर कितना आया 200 पीपल देन आफ्टर नंबर 2 विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सो जो मैक्सिमम परसेंटेज होगा वो मैक्सिमम परसेंटेज वही आंसर होगा सो मैक्सिमम परसेंटेज इज अ लाइट सो यहाँ पे आंसर आएगा कि लाइट म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डायरेक्ट आंसर लिखना है नंबर 2 में डायरेक्ट आंसर लिखना है कि विच टाइप ऑफ अ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ओके सो हमने यहाँ पे लिखा कि मैक्सिमम परसेंटेज क्या है 40% सो 40% इज अ लाइट म्यूजिक सो लाइट म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल देन आफ्टर नंबर 3 इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 100 सीडी ओके अब कैसेट कंपनी क्या मेकिंग करती है 100 सीडी मेकिंग करती है सो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक सो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक दैट मीन्स ये क्लासिकल म्यूजिक 10% है ओके क्लासिकल म्यूजिक कितना परसेंटेज है 10% फॉर एग्जांपल क्लासिकल म्यूजिक कितना परसेंटेज है 10% और कैसेट कंपनी वेयर टू मेक 100 सीडी सो कैसेट कंपनी कितना मेकिंग करती है 100 सीडी सो हमें यहाँ पे सो हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक ओके यहाँ पे 10% है सो हमें वो कितना मेकिंग करेगी वो हमें फाइंड आउट करना है सो नंबर थ्री में हमें 100 सीडी है और परसेंटेज यहाँ पे क्लासिकल का कितना है क्लासिकल म्यूजिक
क्लासिकल म्यूजिक का परसेंटेज कितना है? 10%। सो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा 10% ऑफ 100। वाई? क्लासिकल म्यूजिक का परसेंटेज 10 है। और कैसेट कंपनी कितनी मेकिंग, कैसेट कंपनी वेयर मेक 200 सीडी। ओके, सो 10% ऑफ 1000। सो 10% ऑफ डेट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000। सो परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या राइट डाउन करना पड़ेगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो लास्ट 20 कैंसल आउट, सो 10 10 100। दैट मीन्स क्लासिकल म्यूजिक का कितना परसेंटेज है? 10% है। सो इफ अ कैसेट कंपनी वेयर, क्वेश्चन क्या है? इफ अ कैसेट कंपनी वेयर टू मेक अ 1000 सीडी, सो हाउ मैनी ऑफ इच टाइप वुड दे मेक? सो दैट मीन्स 10% के हिसाब से वो कितना मेकिंग करेगी? 100 सीडीज मेकिंग करेगी। सेमी सर्कल, नेक्स्ट क्या है? सेमी क्लासिकल का परसेंटेज कितना है? 20%। सो हमें 20% का 1000 फाइंड आउट करना होगा। सो 20% ऑफ 1000। सो 20 ऑफ डेट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 20% को रिमूव करेगी, सो डिनोमीटर में क्या राइट डाउन करना पड़ेगा? 100। सो 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 1000। लास्ट 20 कैंसल आउट, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 200। डैट मीन्स कि इफ अ कैसेट कंपनी वेयर मेक 2000 सीडी, सो हाउ मैनी ऑफ इच टाइप वुड दे मेक? दैट मीन्स परसेंटेज के हिसाब से वो सीडी मेकिंग करेगी। ओके, कैसेट कंपनी है वो 1000 सीडी मेकिंग करना चाहती है, बट यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से वो सीडी मेकिंग करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर कितना आया? 200। सो 200 सीडी मेकिंग करेगी। देन आफ्टर लाइट म्यूजिक, सो एज इट इज हमें काउंट करना है। ओके, ईजी है। लाइट म्यूजिक कितना पीपल परसेंटेज करते हैं? 40% पीपल। सो 40% ऑफ 1000, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 14% को रिमूव करेंगे, सो डिनोमीटर में हमें 100 लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 1000। सो लास्ट 20 कैंसल आउट, सो 14 10 14 10 400। सो लाइट म्यूजिक में आंसर कितना आया? 400। एज इट इज़ फॉक का हमें काउंट करना है कि फॉक म्यूजिक कितना परसेंटेज है? 30%। सो फॉक इज इक्वल टू हाउ मैनी पीपल इज लाइक डैम? 13% पीपल इज लाइक डैम। सो 13% और कैसेट कंपनी कितना मेकिंग करती है? 1000 मेकिंग करती है। सो 13% को रिमूव करेंगे, सो डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो लास्ट 20 कैंसल आउट, सो 13 10 13 10 आंसर कितना आएगा? 300। ओके, सो क्वेश्चन 1 इजी था। नंबर 1 क्वेश्चन क्या था कि 20 पीपल लाइक अ क्लासिकल म्यूजिक, सो हाउ मेनी यंग पीपल लाइक वेयर सर्वेड? सो हमने वो फाइंड आउट किया कि 10% में 20 पीपल कवर करते हैं, सो 100% में कितने पीपल कवर करेंगे? सो 200 पीपल। एंड देन आफ्टर वो कैसेट कंपनी 1000 सीडी मेकिंग करती है, सो इच टाइप दैट मीन्स पर्टिकुलर जो म्यूजिक है उसका हमें फाइंड आउट करना था। सो क्लासिकल का 10%, सो 10% ऑफ 1000, एज इट इज सेमी क्लासिस, लाइट एंड फ्लोक म्यूजिक। ओके, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हमने यर्ली वीडियो में किया था। सो देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव द मार्क्स स्कोर इन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट
in Hindi, English and mathematics. The adjoining pie chart. Adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, mathematics, social science, SS and Hindi. If the total marks obtained by the student were 514, total marks कितना है 514 है subject का, सारे subject का total mark कितना हुआ 514. So answer the following question. In which subject did the student score 105 marks? In which subject? That means कौन सा subject है जिसमें student ने scoring किया है 105 marks? देखो पाई चार्ट में आप देख सकते हो कि सेंट्रल ऑफ एंगल है 90%, 65%, 80%, 70 and 55. सो इन विच सब्जेक्ट, दैट मीन्स कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 मार्क्स कवर किए हैं. हिंट दिया गया हुआ है 514 मार्क्स द सेंटर ऑफ एंगल्स 360 वाई बिकॉज होल सर्कल इज 360. सो 105 मार्क्स, तो वॉट इज़ अ सेंट्रल एंगल. सो हम सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करेंगे हिंट थ्रू. हिंट क्या है 514 मार्क्स, सो सेंट्रल एंगल 360. वही हम राइट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर वन कि क्या है 514 मार्क्स, कि 514 मार्क्स तो सेंट्रल एंगल 360 डिग्री. सो 105 मार्क्स, सो सेंट्रल एंगल क्वेश्चन मार्क. सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो क्वेश्चन मार्क के साथ नंबर है वो डिनोमीटर में हम राइट डाउन करेंगे 514, और 105 और 360 का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा. नाउ कैंसलेशन, 00 कैंसल आउट, 96 जा एंड 94 जा, सो 99 इट इज अ कैंसल आउट. सो 105, 4 इज अ 22 जा 4 एंड 6 इज अ 23 जा 6, सो 22 इट इज अ कैंसल आउट. अब 3 का डिवीजन 2 के साथ तो पॉसिबल नहीं है, सो 105 के साथ पॉसिबल है कि नहीं वो हम काउंट, you can see that 105 divided by 3, so 3 3s are 9, 15, 3 5s are 15, that means 35 3s are, so 3 it is a cancel out, so remaining number 35 and 2, so 35 2s are 17 degree. Again hint through humne kiya, hint kya thi कि 514 मार्क्स द सेंट्रल ऑफ एंगल 360. हिंट क्या थी कि 514 मार्क्स, अगेन हिंट क्या थी 514 मार्क्स द सेंट्रल ऑफ एंगल 360, सो 105 मार्क्स, सो सेंट्रल ऑफ एंगल क्वेश्चन मार्क्स. सो हमने यहाँ पे किया 514 360 डिग्री, सो 105 मार्क्स तो क्वेश्चन मार्क. देन आफ्टर सिंपल कैंसलेशन है, आंसर वी गेट 17 डिग्री. सो हम 70 डिग्री पाई चार्ट में हम फाइंड आउट करते हैं. सो यू कैन सी दैट 70 डिग्री इज अ हिंदी सब्जेक्ट. दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन था इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. सो कौन सा सब्जेक्ट आएगा, हिंदी, और आपको यहाँ पे सेंटेंस ओवर कर देना है. हिंदी सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. ओके, देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन, हाउ मैनी मोर स्कोर वेर ऑप्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी. हाउ मैनी मोर स्कोर, दैट मीन्स हाउ मैनी मोर स्कोर, स्कोर कितना ज़्यादा है वेर ऑप्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी. मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो कि 90% है, और हिंदी में आप देख सकते हो कि 70% है. सो हमें स्कोर फाइंड आउट करना है कि मोर देन स्कोर क्या है. मैथमेटिक्स देन हिंदी, दैट मीन्स मैथमेटिक्स से कितना स्कोर है, मोर मैथमेटिक्स देन इन हिंदी. सो हम मैथमेटिक्स का पर्सन एंगल 19 डिग्री है, और हिंदी का
17 डिग्री है, सो हम वो माइनस कर देंगे. सो माइनस करने के बाद आंसर कितना आएगा नंबर टू. नंबर टू मैथमेटिक्स एंड माइनस हिंदी. सो मैथमेटिक्स का डिग्री था 19 एंड हिंदी का सेंट्रल ऑफ डिग्री था 17. सो 19 माइनस 70 वी गेट 20 डिग्री. सो ये 20 डिग्री है उसका हम स्कोर फाइंड आउट कर देते हैं. सो 20 डिग्री, ओके 20 डिग्री. और होल सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री. अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्कोर फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, स्कोर. यहाँ पे एंगल है, एंगल कितना है 20, और होल सर्कल का एंगल 360 डिग्री, और टोटल मार्क्स कितने हैं 514. सो कैंसलेशन 00, इट इज़ अ कैंसल आउट. सो 9 4 एंड 54 54, सो 9 6. सो 9 9, इट इज़ अ कैंसल आउट. सो यहाँ पे रिमेनिंग नंबर क्या है, रिमेनिंग नंबर 2 है, 6 है, और 0 डैट मीन्स 10 है. 0 डैट मीन्स 10, 54 10 जा होगा. सो 54 का हमने यहाँ पे राइट डाउन किया 9 6, और 0 क्या है 10 है, डिवाइडेड बाय 4. सो 2 3 6 एंड 2 2 4, सो 2 2 कैंसल आउट, अगेन 2 2 कैंसल आउट. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 13. दैट मीन्स क्वेश्चन क्या था, अगेन हाउ मैनी मोर स्कोर वेर ऑप्टेन बाय इन द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी. सो हमें मोर देन स्कोर फाइंड आउट करना था मैथमेटिक्स देन इन हिंदी. सो हमने क्या किया कि इनका मैथमेटिक्स और हिंदी का माइनस कर दिया. सो डिग्री ऑफ एंगल कितना आया 20 डिग्री, और जो डिफरेंस आया उसका हमने स्कोर फाइंड आउट किया. सो 20 डिग्री, टोटल ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री एंड टोटल स्कोर इज 514, कैंसलेशन. सो आंसर इज 30 स्कोर, ओके. देन आफ्टर नंबर 3, एग्जामाइन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एसएस एंड मैथमेटिक्स. दैट मीन्स सम ऑफ मार्क्स करना है ऑब्टेन इन एसएस एंड मैथमेटिक्स. कौन से सब्जेक्ट का सम करना है, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स का सम करना है. इज मोर देन दैट इन द साइंस एंड हिंदी, ओके. ये सेंटेंस हमें फाइंड आउट करना है कि सोशल साइंस और मैथ्स का सम कितना होता है और साइंस एंड हिंदी का सम कितना होता है, मोर देन होता है कि नहीं होता है, वो हम फाइंड आउट करते हैं. सो सोशल साइंस एंड मैथ्स नंबर 3, सोशल साइंस का डिग्री है 19 डिग्री, और साइंस का डिग्री है, सॉरी एसएस का डिग्री है, 65 एंड मैथ्स का डिग्री है 19. सो आंसर इस कितना आएगा, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 6 15, सो 155 डिग्री, ओके. एंड देन नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, साइंस एंड हिंदी. सो साइंस एंड हिंदी, सो साइंस की डिग्री है 80 एंड मैथ सब्जेक्ट, सॉरी हिंदी की डिग्री है 17. सो इट इज़ अ 150 डिग्री. सो मोर देन है कि नहीं वो हमें फाइंड आउट करना है. सो यस आंसर आएगा कि द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन द सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन द साइंस एंड हिंदी, ओके. सो मोर देन ही है कि सोशल साइंस और मैथ्स का सम कितना हुआ 115, और साइंस और हिंदी का सम कितना हुआ 115. सो मोर देन ही है, ओके. सो इजी था क्वेश्चन नंबर 4.
ओके. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट. ओके, लैंग्वेज है हिंदी, कितने स्टूडेंट स्पीकिंग करते हैं 14, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4 एंड टोटल 72. सो हमें डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट, दैट मीन्स डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले अ पाई चार्ट, पाई चार्ट का डिस्प्ले करना है, दैट मीन्स पाई चार्ट का ड्रॉ करना है. सो हमें पाई चार्ट ड्रॉ करने से पहले उसका सेंटर ऑफ एंगल फाइंड आउट करना होगा. ओके, सेंटर ऑफ एंगल, सेंटर ऑफ एंगल फाइंड आउट करने से पहले सेंटर ऑफ एंगल फाइंड आउट करते हैं. सो लैंग्वेज टेबल हम फाइंड आउट करते हैं, लैंग्वेज कितनी है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली एंड टोटल, टोटल है यहाँ पे लैंग्वेज. एंड सेकंड, सेकंड बॉक्स क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट. एंड थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल सो फोर्टी, 12, 9, 7 and 4, टोटल 72. सो सेंट्रल ऑफ एंगल फाइंड आउट करने कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंट्रल ऑफ एंगल फॉर हिंदी सब्जेक्ट है. सो हम सब्जेक्ट का नंबर कितना है 14, टोटल नंबर को हम डिनोमीटर में राइट डाउन करते थे और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. ओके, क्योंकि डिग्री फाइंड आउट करना है सो 360 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे. ओके, अगर आपको डिग्री फाइंड आउट करना हो तो 360 को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय करोगे. और डिग्री को रिमूव करना हो सो आप 360 डिग्री को डिवाइडेड करोगे. सो हमने वो क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे 20 डिग्री था. ओके, सो 20 डिग्री, डिग्री को रिमूव करना है सो 360 डिग्री को हमने क्या किया, डिवाइडेड किया और टोटल स्कोर को मल्टीप्लाई बाय किया. सो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आप डिग्री फाइंड आउट, सेंट्रल ऑफ एंगल डैट मीन्स डिग्री फाइंड आउट कर रहे हो सो 360 को आपको मल्टीप्लाई करना है. अगर आप डिग्री रिमूव कर रहे हो सो 360 को डिवाइडेड करना है. कैंसलेशन करते हैं सो 9 4 and 9 8 72. सो 9 9 इट इज़ अ कैंसल आउट. सो रिमेनिंग नंबर क्या है वो हम राइट डाउन कर देते हैं, 4 14 4 and 0. सो अगेन 14 0, डैट मीन्स 10 एंड अपॉन 8. सो 8 डैट मीन्स 4 2 ज़ा 8 एंड आप 8 ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 8 5 ज़ा 14. सो 8 8 कैंसल आउट. लॉन्ग करने से ज़्यादा शॉर्टकट पे शॉर्ट आप यूज़ करो, आपको 8 5 ज़ा 14 है सो 8 8 कैंसल आउट. सो आंसर इज 4 14 5 ज़ा 200. ओके, सो सेंट्रल ऑफ एंगल क्या है, 200 डिग्री. सो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं 200 डिग्री. डैट मीन्स हिंदी कितने परसेंटेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे 14, डैट मीन्स उसका सेंटर ऑफ एंगल कितना आया 200. देन आफ्टर इंग्लिश,
इंग्लिश कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं? 12 स्टूडेंट. नंबर ऑफ स्टूडेंट 12 और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 72. सो टोटल इज डिवाइडेड बाय एंड डिग्री कितना है? 360 होल. सो आप 9 8 and 9 4 9 9 कैंसिल. आप ऐसे भी काउंट कर सकते हो कि 12 6 72. सो 12 12 डायरेक्ट कैंसिल आउट. आप ऐसे भी कैंसलेशन कर सकते हो. कैंसलेशन का वे यू हैव टू सो मैनी वे. सो अप्लाई दिस 8 दैट मीन्स 4 2 8. सो 4 4 कैंसल आउट. ओके सो रिमेनिंग नंबर क्या है? 12 है और 0 दैट मीन्स 10 और डिनोमीटर में क्या है? 2 है. सो 2 6 12. सो आंसर इज 60 degree. 10 6 60 degree. ओके देन आफ्टर 9 मराठी. हाउ मैनी स्टूडेंट इज अ लैंग. सो 9 स्टूडेंट इज अ लैंग्वेज मराठी. नोन द लैंग्वेज मराठी 9. टोटल इज 72 एंड 360 degree. सो 9 8 9 9 कैंसल आउट. सो 316 upon 8. सो 316 सो 36 10 8 दैट मीन्स 4 2 ओके 9 4 9 4 सो 9 4 36. सो 4 4 कैंसल आउट एंड 5 2 10. सो 2 2 कैंसल आउट. सो 9 5 45 degree. ओके सो आंसर इज 45 degree. अगेन 9 upon 72. सो 9 9 8 72. 9 9 कैंसल आउट. 36 upon 8. सो 36 36 10 9 4 4 4 कैंसल आउट. 10 5 2 2 2 कैंसल आउट. सो 9 and 5. सो 9 5 45. देन आफ्टर तमिल. तमिल कितने पीपल? तमिल इज हाउ मैनी नोन्स द लैंग्वेज तमिल. सो 7 स्टूडेंट्स. टोटल इज 72 एंड 360 degree. सो 7 360. सो 9 4 36 एंड 0 दैट मीन्स 10. सो 5 2 10. सो 8 9 9 9 कैंसल आउट एंड 8 दैट मीन्स 4 2 8. सो 4 4 कैंसल आउट एंड 2 2 कैंसल आउट. सो 7 5 35 degree. ओके सो 35 degree. देन आफ्टर 4 पीपल इज नोन एज बेंगोली. बेंगोली लैंग्वेज हाउ मैनी स्टूडेंट इज स्पीक द बेंगोली लैंग्वेज. सो 4 स्टूडेंट बेंगोली. सो 4 स्टूडेंट एंड टोटल स्टूडेंट इज 72 मल्टीप्लाई बाई 316. सो हमने यहाँ पे 4 9 8 36. 9 4 9 9 कैंसल आउट. 8 दैट मीन्स 4 2 सो 4 4 कैंसल आउट. नहीं यहाँ पे भी 4 है. सो 2 2 4. सो 2 2 कैंसल आउट. सो आंसर इज 2 and 0. 0 दैट मीन्स 10. सो 10 2 20 degree. सो यहाँ पे क्या आएगा? 20 degree. कैंसलेशन के बहुत सारे वे है. सो आपके दिमाग में जो फैक्टर आए वो राइट डाउन कर सकते हो. सो 20 degree. अब हमें क्या ड्रॉ करना है? पाई चार्ट ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है? पाई चार्ट. हिंदी का परसेंटेज है 200. इंग्लिश का परसेंटेज है 60. मराठी का 45 सेंट्रल ऑफ एंगल. सॉरी तमिल का 35 एंड बेंगोली का 20 एंड ओके इतना ही है. सो पाई चार्ट में होल सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 degree का होता है. पाई चार्ट में होल सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 degree का होता है. पाई चार्ट में होल सॉरी होल सर्कल कितने डिग्री का होता है?
360 डिग्री का होता है, और ये हाफ पार्ट कितना होगा 180 पाई चार्ट में हाफ पार्ट 360 का कितना हुआ 180, सो 180 है, सो यहाँ पे क्या है 200, सो 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, सो हम 20% यहाँ पे ज़्यादा कर देते हैं, ओके, सो ये क्या हो गया 200 हो गया, ओके, सो ये क्या हो गया 200, आप स्केल से ड्रॉ करोगे, सो ये क्या हो गया 200, और हम ये लाइन को रिमूव कर देते हैं, ओके, ये लाइन को हम रिमूव कर देते हैं, और ये क्या हो गया 200 हिंदी। देन आफ्टर हाफ पार्ट क्या होता है, हाफ पार्ट 19 डिग्री होता है, सो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे क्या है 60 है, 19 डिग्री है, सो हम 60 और 35 को कवर कर लेते हैं, 60 और 35 को कवर कर लेते हैं, 60 इंग्लिश सब्जेक्ट है और 35 तमिल है, और ये हाफ ये 180 का हाफ पार्ट कितना हुआ 19, और 19 डिग्री है, सो ये 60 हो गया, सो ये हमें ज़्यादा 60 डिग्री हमने कर लिया, ये 60 डिग्री, ओके, ये 60 डिग्री हमने कर दिया, 60 डिग्री सब्जेक्ट इंग्लिश, और 35 है, सो हम यहाँ पे लाइन ऐसे थोड़ी ज़्यादा खींच लेंगे, 35 है ना, सो 5% लाइन ज़्यादा खींच लेंगे, तो ये क्या हो गया 35 हो गया, ओके, क्या हो गया 35। देन आफ्टर 45 एंड 20 डिग्री, सो 45 20 डिग्री को हम कम बना देते हैं, और ये हो गया 45, 45 का पार्ट 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, 45 का पार्ट 45 डिग्री और ये 20 डिग्री, ओके, 60 डिग्री का पार्ट हमने इतना रखा है, सो 45 का पार्ट 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमने ये मेज़रमेंट अप्रोक्सीमेटली ही लिया है, ये मेज़रमेंट हमने अप्रोक्सीमेटली ही लिया है, ओके, सो 35 से बड़ा भी दिखना नहीं चाहिए और 60 से छोटा भी नहीं दिखना चाहिए, ओके, सो ये अप्रोक्सीमेटली आपको ड्रॉ करना है, ओके। अगेन हमने क्या किया कि पाई चार्ट ड्रॉ करना था, होल सर्कल 360 डिग्री का होगा और उसका हाफ पार्ट कितना होगा 180, और 180 में 20 ज़्यादा है, सो हमने ये 20 ज़्यादा ड्रॉ कर दिया, सेंट्रल ऑफ एंगल, और ये 20 ज़्यादा ड्रॉ कर दिया, ओके, सो आप ये रिमूव कर दो, और यहाँ पे आप मेज़रमेंट राइट डाउन कर दो कि ये क्या है कि 200 है, 200 डिग्री। देन आफ्टर हमें पता है कि हाफ पार्ट 19 डिग्री है, सो यहाँ पे ऑलरेडी 60 है और 35 है, सो 60 एंड 35 195 हो गए, सो यहाँ पे मैंने 60 ड्रॉ कर दिया, ओके, 60 ड्रॉ कर दिया, और 5% हम ज़्यादा ड्रॉ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 35 हो गया। उसके बाद हमारे पास कितना रह गया 45 डिग्री और 20 डिग्री, सो 20 डिग्री का आप स्मॉल बना दो, अप्रोक्सीमेटली ही मेजरमेंट लेना है 20 एंड ये 45, आप देख सकते हो कि 35 से थोड़ा बिग है और 60 डिग्री से स्मॉल है, ओके, वो आपको मेजरमेंट ध्यान में रखना है। सो एक्सरसाइज 5.2 नोटबुक में कंप्लीट करनी है और सेंड भी करनी है, ओके, थैंक यू।